आप बगल में इन्हीं का सोलोटर हाउस है जिसमें 11 लड़की महिलाएं गायब है, 4 बच्ची गायब है। आरा में बच्चों के साथ 7 वहीं के कर्मचारी बलात्कार किया जिसको कोर्ट में कहा गया। बेटा बालिका गिरी के सभी बच्चियां और बच्चे गायब है। भागलपुर अभी 6 सस्पेंड आपने किया ये अभी। तो विपक्ष से मैं सीधा सवाल करता हूं और चुनौती देता हूं विपक्ष, फतवा में अभिमन्यु यादव का कत्ल कर दिया गया और जब बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा था तो फिर विपक्ष मौन क्यों थे? 1992 से लेकर के अभी तक विपक्ष मौन क्यों थे? और यदि मैं यह मान लूं कि 3 साल से यह यौन शोषण का दौर चल रहा है तो 3 सालों में 2 सरकार बनी, एक सरकार जो 1 साल की है, एक सरकार जो 1 साल पूर्व थी, तो 3 साल में 2 सरकार थी। तो 2 साल में लालू यादव का कुनबा ये ट्विटर हुआ है, ये जो ट्विटर हुआ है, प्ले हुआ है, वो कुनबों को पैदा किए हुए हैं। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका पहला ट्वीट आया कब? बिहार बंद किया जन अधिकार पार्टी, मुजफ्फरपुर बंद किया जन अधिकार पार्टी, लोकसभा में पहला सवाल, और परसों ढीठ की तरह बोल रहे हैं कि राजद ने इस सवाल को उठाया। मैंने तो चुनौती दी है, यदि पप्पू यादव रंजीत रंजन के पहले कोई भी पार्टी आज तक सवाल उठाया हो तो मैं राजनीति से हम दोनों इस्तीफा देने को तैयार है, कभी राजनीति नहीं करेंगे, अन्यथा राजनीति करना बंद करो, चुनौती स्वीकार करो। इतनी बड़ी घटना जब घट रही थी तो उनका ट्विटर बॉय विदेश में घूम रहा था, मालिश करवा रहा था, बाली घूम रहा था। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी गंभीरता थी तो फिर विदेश में मालिश करवाने क्यों चले? सीधा तो सवाल है मेरा। और आने के बाद उनको ट्वीट, जब यह घटना जब जन अधिकार पार्टी और सदन के बाद जब ये घटना दुनिया को पता चला तो फिर हाइव के लिए आप शुरू कर दिए, सुबह बाजा तब बाजा चलनी हो बाजे। मेरा सीधा सवाल है कि जरा याद दिला दे इनको, गौतम शिल्पी कांड, एंकर सीजर कांड, चंपा विश्वास कलेक्टर की बीबी कांड, एमपी का सेक्स सीडी जिसके बाद में लालू यादव ही एमपी का टिकट नवल यादव अनवारुल हक और अब्दुल्ला को टिकट दिया।